हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका नेस्ट किचन में। आज हम बनाने वाले हैं प्राउन्स तवा मसाला, जो बहुत ही स्पाइसी, टेस्टी, टेंगी और चटपटा है। आप आसानी से इसको घर पे बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक मिक्सी जार में हम लेंगे 20 से 22 लाल मिर्च, जिसे हमने आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दिया। अब उसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच सूखा धनिया, 6 से 7 लहसुन की कलियां, 10 से 12 काली मिर्च, ज़रूरत के हिसाब से पानी। अब इन सारी चीज़ों को हम थिक फाइन पेस्ट में पीस लेंगे। अब एक गरम पैन में हम लेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल, उसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच मेथी के दाने, एक बड़ा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, और इनको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब इनमें डालेंगे 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को सॉफ्ट होने तक अच्छे से भूनेंगे। अब उसमें ऐड करेंगे नमक स्वादानुसार और सारे मिश्रण को अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक 1 बड़ा चम्मच और सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मिर्ची का पेस्ट और उसे अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच इमली का जूस और वापस प्याज वाले मिश्रण को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम उसमें ऐड करेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी और मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब उसमें जाएगा 250 ग्राम प्रॉन्स, जिसे हमने छील के क्लीन करके रखा था। प्रॉन्स को ऐड करने के बाद मिश्रण को हम स्लोली और जेंटली मिक्स करेंगे। अब हम उसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच हींग का पानी और ज़रूरत के हिसाब से पानी और मिश्रण को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च, जिसको हमने मोटे टुकड़ों में काटा है, और मिश्रण को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब हम इस पर ढक्कन ढककर कुछ देर के लिए प्रॉन्स को पकने देंगे। ढक्कन खोलने के बाद मिश्रण को हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें, हमें प्रॉन्स को ओवरकुक नहीं करना है। हमारा प्रॉन्स तवा मसाला परोसने के लिए तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चावल, ब्रेड, रोटी या फिर डोसा के साथ सर्व कर सकते हैं। तो घर पे रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, और कैसी बनी ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करना और दूसरों के साथ शेयर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा, ताकि हम आगे कोई भी अच्छी रेसिपी अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।